प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का जो है उज्ज्वल कोचिंग कैंपस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं सोनू जांगड़ा और आज हम लोग जो है केवीएस का जो एग्ज़ाम था प्राइमरी टीचर का जो आज का पेपर था 25 फरवरी वो जो पेपर है उसको हम लोग शाम के शिफ्ट का जो है डिस्कशन कर रहे हैं और लगभग पूरी कोशिश की है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है बेसिक जो साइकोलॉजी को छोड़ के बाकी सारा भी जो पार्ट है ईवीएस के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ और बाकी आपके रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी सभी क्वेश्चंस जो है डेटो क्वेश्चंस जो है मैं लेकर आया हूँ आपके सामने और ताकि इससे आपको पता चले कि आगे आने वाले एग्जाम्स में जो बच्चे बैठेंगे उनको पेपर में जो है फ़ायदा हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इन्वायरमेंट साइंस जो ईवीएस के जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें से जो है मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो बारी बारी से क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रोनाल्ड रोस किस टिके का आविष्कार किया। तो एक क्वेश्चन जो है पिछले अगर हम बात करें कि सुबह की शिफ्ट था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया, ऐसे ही रोनाल्ड रोस ने जो है कौन से टिके का आविष्कार किया था क्वेश्चन पूछा गया है। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे करके ऑप्शंस थे। सेकेंड क्वेश्चन था आपका प्याज की फसल के ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था और उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था कि जो प्याज की जो फसल है वो उसको जो है ज़्यादा मात्रा में जो है उर्वरक डालने से ख़राब हो जाती है या फिर हम लोग उसको पकने के बाद ज़्यादा समय तक मिट्टी में छोड़ दें तो वो ख़राब हो जाती है या फिर उनको कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से चार ऑप्शंस थे, उनमें से जो है एक ऑप्शन अपने को बताना था उसमें प्याज की फसल के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था जंगल के ऊपर। अभी जंगल के ऊपर जो है इस बार दो क्वेश्चन जो है इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। जंगल के ऊपर था पहला क्वेश्चन कि जो जंगल होते हैं उनको जो है धरती के फेफड़े क्यों कहते हैं, जंगल्स जो है उनको धरती के फेफड़े अर्थ के जो फेफड़े जो है लंग्स क्यों कहते हैं। उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे कि भाई ये जो है नाइट्रोजन की स्थिरता को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन को जो है छोड़ते हैं, नाइट्रोजन को CO2 को लेते हैं। इस तरह के चार ऑप्शंस थे और आपको बताना था कि भाई जंगल को जो है फेफड़े क्यों कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था जंगल के बारे में ही, वो क्वेश्चन ये था कि भाई जंगल के बारे में दो पॉइंट दिए हुए थे कि एक तो जो है चार पॉइंट दिए हुए थे कि जंगल जो होते हैं वो अंधकार में होते हैं, उनमें अंधेरा होता है और जंगलों के अंदर जो है मिट्टी जो है होती है नम होती है, ऐसे करके चार ऑप्शन दिए हुए थे। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है जंगल के बारे में वो आपको बताना था। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेशा का ऊपर, जो आपका जो रेशे होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है हमने एक ऐसे रेशे का आविष्कार किया था जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग था, चमकीला था, जिसको उस वक्त जो है महिलाओं के जो मोजे होते हैं उनको बनाने में खूब यूज होता था। लेकिन उस वक्त जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस टाइम पे जो है जापान के जो सेना है उसने पैरासूट के अंदर जो है इसको यूज किया था इस रेशे को। हमें वो बताना था कि वो रेशा कौन सा है, ठीक है, जो पैरासूट बनाने में यूज किया गया था। तो उसके ऑप्शंस थे अक्राइलिक था, एक नायलॉन था, एक आपका पॉलिस्टर था। इस तरह से चार ऑप्शंस थे आपके। ठीक है, एक रेयान ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वाहिदा प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है वाहिदा प्रिज्म के बारे में। क्वेश्चन जो है घुमा के दिया हुआ था कि एक महिला ऑफिसर है जो कि नेवी के अंदर है और वहाँ पे वो नेवी के अंदर डॉक्टर है और वो कमांडर भी है, तो वो अपनी सेना की टुकड़ी के लिए कितनी परेड करवाएगी। तो वो ऑप्शन जो है उसमें दिए हुए थे 36, 29, 24 और ऐसे करके ऑप्शन थे, तो उसका 36 आंसर आएगा। ये बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बलुआ मिट्टी के ऊपर की जो बलुआ मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है, उसकी दो स्टेटमेंट थी। एक तो इसमें ये महीन कण होते हैं, साइज जो उनका बहुत छोटा होता है, और दूसरा ये था कि भाई ये जो है उनमें जो है पानी की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका वल्लम जो है, वल्लम किसे कहते हैं, साउथ के अंदर जो है वल्लम जो है वो एक लकड़ी की नाव होती है उसको कहते हैं। उस पर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि सीटेट में भी पूछा गया था इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन जो था वो बीजाणु के बारे में था, बीजाणु के बारे में तो स्टेटमेंट थी, तीन स्टेटमेंट थी। बीजाणु जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, तीसरे ये मादा जनन अंग होते हैं, और ये पूछा हुआ था कि इनमें से ए व बी हैं या फिर ए व सी है या बी व सी है, इस तरह से ऑप्शंस थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन था पक्षी की पंखों के बारे में। दो पॉइंट दिए हुए थे कि पक्षी जो होता है उनकी जो पंख हैं वो समय समय पर टूटती रहती हैं और नई पंख आती रहती हैं, और दूसरा पॉइंट था कि पक्षियों की जो पंख है वो उनके शरीर को गर्म रखती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको चार ऑप्शन दिए हुए थे। एक दिया हुआ था नागफनी, एक आपका अमरबेल, और आपके दो ऑप्शन और दिए हुए थे। ऐसे चार पौधे दिए हुए थे और ये पूछा था कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है, सबसे अलग है। तो अमरबेल जो होता है वो अपना खाना स्वयं ही बनाते, वो दूसरे पेड़ पे जो रहते हैं तो परजीवी की तरह काम करते हैं, तो इस तरह से पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वनों से क्या हमें नहीं मिलता है, हमें वनों से क्या नहीं मिलता है, गम, गोंद, वैक्स, मोम, प्लाईबोर्ड, और चौथा था केरोसिन। तो देखिए, वैक्स भी हमें मिलता है, मोम भी मिलता है, और आपका जो गोंद है वो भी मिलता है पेड़ों से, प्लाईबोर्ड लकड़ी का प्लाईबोर्ड भी मिलता है, और केरोसिन नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हवा के बारे में, पवन के बारे में दो पॉइंट दिए हुए थे। पवन जो होती है उस गतिशील हवा को पवन कहते हैं। पहला पॉइंट ये था कि गतिशील जो हवा होती है उसको पवन कहते हैं, और सेकंड क्वेश्चन था दाब जो है बढ़ जाता है जब हवा का वेग बढ़ जाता है, जब हवा की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन को देके ये पूछा हुआ था कि ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या फिर एक सही है दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जैविक खाद, भाई जैविक खाद जो है उसके बारे में दो स्टेटमेंट थी। जैविक खाद जो होता है उससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें चार स्टेटमेंट थी, चार ऑप्शन थे। मिट्टी की गुणवत्ता को जो है बढ़ाते हैं, या फिर इनमें पोर्स बढ़ जाते हैं, नमी की जो है नमी उसमें घटती है बढ़ती है, ऐसे कुछ चार ऑप्शन थे। आपको बताना था कि जैविक खाद के बारे में कौन कौन से ऑप्शन सही, कौन से गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हैजा चेचक वायरस, इसके ऊपर था कि जो हैजा और चेचक जो है ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, और दूसरा जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पोलियो की जो ड्रॉप जो होती थी वो एक प्रकार की वैक्सीन है। ठीक है, पोलियो की दवाई पिलाई जाती थी तो वो एक टाइप की वैक्सीन है, ये स्टेटमेंट थी। आपको बताना था कि दोनों सही हैं या गलत हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे भाई किसके, ये तो हमारे हो गए किसके क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ईवीएस के क्वेश्चंस में मैंने लगभग क्वेश्चंस कवर किए हैं, एक या दो क्वेश्चंस रह गए होंगे। ठीक है, उनके बारे में जो है फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए ईवीएस के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। भाई जो नेक्स्ट पार्ट है वो रीजनिंग का पार्ट। रीजनिंग में पांच क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था रीजनिंग का, सीटिंग अरेंजमेंट का। एक सर्कल है उस पे आठ अलग अलग आमने सामने मुंह करके आठ लड़कियां बैठी हुई हैं, या फिर आठ अलग अलग लड़के बैठे हुए हैं। उनसे ये पूछा गया कि भाई ए बी के पास में बैठा है, सी डी के सामने बैठा है, और ये लास्ट में पूछ लिया कि भाई एच के सामने कौन बैठा है। ठीक है, या फिर एच के दाएं कौन बैठा है, ऐसा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था, वेन डायग्राम का। चार अलग अलग सर्कल दिए हुए थे, चारों सर्कल्स में नंबर्स लिखे हुए थे और उनके कॉमन सेक्शन में भी नंबर लिखे हुए थे। ये पूछा था कि भाई एक सर्कल जो वो इंटेलिजेंट लोगों को, दूसरे वाले जो आपके पंचुअल लोगों को दर्शाता है, तीसरा जो है अलग टाइप के लोग थे। तो उनमें पूछा हुआ था कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों को दर्शाते हैं एक को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका सीरीज दी हुई थी। इस सीरीज में पूछा हुआ था कि भाई एक सीरीज थी, एग्जैक्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ इसमें, 5 7 3 5 7 3 5 7 3 इस तरह से सीरीज थी, बीच में अक्सर थे। ये पूछा हुआ था कि 5 7 3 जो है कितनी बार आया है, बहुत लंबी सीरीज थी। ये पूछा था कि 5 7 3 लगातार कंटिन्यू कितनी बार आया है, उसमें शायद 3 या 4 बार आया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था आपका रीजनिंग में साइड के ऊपर, कि एक लड़का जो है अपने घर से चलता है, पहले किसी दिशा में चलता है, फिर इस दिशा में चलता है, फिर इस दिशा में चलता है, फिर इस दिशा में चलता है, तो अंत में जो है वो घर की तरफ जाता है, तो वो किस दिशा में है। तो उसका आंसर आएगा साउथ और वेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था रीजनिंग का, पांचवें क्वेश्चन आए थे। दो स्टेटमेंट दी हुई थी कि कमला की रैंक जो है कक्षा में आगे से इतनी है, पीछे से इतनी है, कक्षा में कुल 45 छात्र हैं, तो राजन की रैंक नीचे से इतनी होगी, तो बताओ कि भाई ये वाली जो बात है उन दोनों में से एक से काम चल जाएगा राजन की रैंक बताने के लिए, या फिर दूसरे वाली स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, या फिर दोनों से काम चलेगा, या फिर दोनों ही उसके लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ही आसान थे रीजनिंग के पांचों क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के पांच क्वेश्चंस, बहुत इजी थे। पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म ऑफ RAM, रैम की फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेम सिटी टू ब्रांचेज ऑफ स्कूल, कहता है कि किसी एक शहर के अंदर एक ही स्कूल की दो अलग अलग ब्रांच है, तो उन दोनों ब्रांच का जो डाटा है वो आपस में क्या करना है, एक दूसरे के पास में भेजना है विद द हेल्प ऑफ आपकी ये जो ट्यूब होती है, आपकी वैक्यूम ट्यूब से उसको हम लोग बोल सकते हैं,
ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हमको उनको भेजना है, तो कह रहा कि कौन सा नेटवर्क जो है उसके लिए सूटेबल होगा, तो वो होता है आपका प्राइमरी एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना नहीं है, अपने उसी शहर में एक ही शहर में एक स्कूल की दो ब्रांच है, तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्राइमरी एरिया नेटवर्क से ही काम चल जाएगा, ठीक है। एक सिंपल वायर दबा के और उससे हम लोग काम चलाएंगे, तो प्राइमरी एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लार्ज एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वर्ल्ड वाइड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए, कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए या उससे यूज करने के लिए कौन से डिवाइस जो हमें हेल्प करते हैं, मनुष्य की इंसान की हेल्प करते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर या फिर इनपुट और आउटपुट दोनों। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। हम कुछ भी टाइप करते हैं इनपुट डिवाइस से तो हमें आउटपुट में वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इमेज, फोटोग्राफ और वीडियो को एक सीरीज में लगाने के लिए या किसी प्रदर्शनी में दिखाने के लिए हम कौन से चीज़ का यूज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बाद में वर्ड था, एक्सेल था, ऐसे ऑप्शन थे, तो पावर पॉइंट यूज होता है। और लास्ट क्वेश्चन था नेटवर्क विच कॉपी रेप्लिकेट द सॉफ्टवेयर, ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करके दूसरा बना देता है। उसके ऑप्शन थे स्पैम, वर्म, एंटीवायरस और आपका होर्स, ठीक है। ये चार ऑप्शन थे, तो कंप्यूटर के चार क्वेश्चन बिल्कुल ईजी थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इंग्लिश का, तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में पहला क्वेश्चन है रमणिक विल से आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको हम लोगों को नरेशन को डायरेक्ट इंडेक्स पेज में चेंज करना था, रमणिक विल से आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, इसको चेंज करना था। सेकंड क्वेश्चन था आपका ड्विंडल वर्ड जो था उसका हमें सिनोनिमस बताना था, फाइट, वर्क, एबेट, ऐसे ऑप्शन थे, तो ड्विंडल का हमें सिनोनिमस बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था लतिका इज वेरी इंटेलिजेंट स्पेस चाइल्ड, ठीक है, लतिका इज वेरी इंटेलिजेंट ब्लैंक चाइल्ड, इसमें हमें प्री पोजिशन जो है आपको लगानी थी इसमें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था स्कोरनफुल का अपोजिट वर्ड बताना था, यानी एंटोनिमस बताना था स्कोरनफुल का, स्टॉर्म, ब्रेस, इस तरह के ऑप्शन थे, ठीक है। इस बार जो है इस क्वेश्चन में जो है एंटोनिमस और सिनोनिमस इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था टू डेज एगो राम अलोंग विद श्याम ब्लैंक प्रेजेंट हेयर, टू डेज एगो राम अलोंग विद श्याम ब्लैंक प्रेजेंट हेयर, अलोंग विद वर्ड था, उसमें पूछा था हैड बीन, हैज बीन और वाज वर, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन था अरेंज द स्टोरी, चार अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे एक स्टोरी के, उनको अरेंज करना था सीरियल वाइज, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो अरेंज ऑफ स्टोरी, यानी दो क्वेश्चन आए हुए थे, स्टोरी को अरेंज करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका प्रीपोजिशन का डॉग्स हैव एंटीपैथी ब्लैंक कैट्स, डॉग्स हैव एंटीपैथी ब्लैंक कैट्स विद टू फोर ऑफ, हमें इसमें प्रीपोजिशन बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पार्ट ऑफ स्पीच का वी आर कीन टू गो ऑन वेकेशन, वी आर कीन टू गो ऑन वेकेशन, हमें बताना था कीन जो वर्ड है वो यहाँ पे प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है और आपका वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू, एक्टिव वाइज को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना था, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जुवेलियन जो है उसका एंटोनिमस हमें बताना था, सिमिलर वर्ड बताना था जुवेलियन का, ह्यूज, एडल्ट और बिग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था अर्नेस्ट जो वर्ड है उसका सिनोनिमस बताना था अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था करण सेज टू मी प्लीज ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर, इसको हमें क्या करना था, करण सेज टू मी प्लीज ब्रिंग वन ग्लास ऑफ वाटर, इसको भी क्या करना था, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना था, ठीक है। नेक्स्ट था आपका एंटीपैथी जो वर्ड है उसको हमें एनोनिमस बताना था, सिमिलर वर्ड बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था अभोर ABOHR अभोर का सिनोनिमस बताना था, जिसमें ऑप्शन थे डिफेम, चूज, रिजॉइस, इस तरह के ऑप्शन थे, ठीक है। तो लगभग 6 या 7 क्वेश्चन जो है सिनोनिमस एंटोनिमस के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसे, एक आपको ऐसे दिया हुआ था इंग्लिश में, बहुत बड़ा ऐसे था और वो ऐसे था एक वकील के ऊपर था, एक एडवोकेट के ऊपर था, जो कि अपने पत्नी के का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और वो अपने काम में बहुत बिजी रहता था और वो खाने के बारे में बहुत सख्त था, पंचुअल बहुत था टाइम का, उसकी राइटिंग बहुत ख़राब थी और वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता था और मतलब खाने के ऊपर जो है बिल्कुल टाइम पे बैठता था। इस तरह की एक स्टोरी थी एक एडवोकेट के बारे में और उसके जो है 5 लड़के थे, उसकी लड़की नहीं थी, ठीक है। तो इस तरह की स्टोरी थी, उसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एरर से रिलेटेड, एक दो अलग अलग स्टेटमेंट थी, अलग अलग क्वेश्चन थे, उनमें एरर बतानी थी कि भाई एरर कौन सी है। और एक क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द टेंस और एक और क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द टेंस, यानी 2 टेंस दे रखे थे, हमें आइडेंटिफाई करना था इस क्वेश्चन में कौन सा टेंस है, ठीक है। तो इंग्लिश भी बहुत ईजी थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका चलते हैं
हिंदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हिंदी जो है, हिंदी में जो है आपका सबसे पहला क्वेश्चन था, मेरी किताब में वीरू ने घर में क्या देखा। मेरी किताब एक चैप्टर है हिंदी में, उसमें वीरू ने घर में क्या देखा, किताब देखी, अलमारी देखी, बड़ी संदूक देखी, ऐसा कुछ ऑप्शन थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था भिन्न छाटो, इनमें से अलग छाटना था अपने को, यानी एक विशेषण से आपका जो है विशेषण से संज्ञा से विशेषता बता के उसमें बता रखा था। तो प्रभु के प्रभुता है, गर्म से गर्माहट, पेट से पेटू, बड़ा से बड़प्पन, हमें इनमें से डिफरेंट बताना था, जो कि गलत गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विलोम शब्द पूछ रखे थे, जीवित मृत तीव्र तेज, ऐसे विलोम शब्द थे। तो जीवित का मृत ठीक है, लेकिन तीव्र का तेज नहीं होता, विलोम शब्द सेम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आकाश का पर्यायवाची बताओ, आकाश का पर्यायवाची पूछ रखा था, चार ऑप्शन थे, एक नहीं था वो पूछ रखा था। माँ के लिए भोजन परोसा, माँ के लिए भोजन परोसा, उसमें कारक पूछ रखा था कि भाई माँ के लिए संप्रदान के लिए कारक पूछा हुआ था। नेक्स्ट था भानुदे में संधि विच्छेद, भानुदे की संधि विच्छेद पूछ रखी थी, भानु छोटा नु उदय और भानु में बड़ा नु प्लस उदय, इस तरह के ऑप्शन थे, ठीक है। नेक्स्ट था आपका तत्सम तद्भव का जो है जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा गलत या सही है, गेहूं का गोधूम, गांठ का ग्रंथि, काष्ठ का काठ, काम का कार्य, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन थे। पांच क्वेश्चन आपके क्या थे, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ दे रखा था उसके बारे में पांच क्वेश्चन थे। पैराग्राफ क्या था, एक गांव के बारे में था कि पुराने टाइम में गांव में क्या क्या होता था और आजकल जो क्या क्या बदलाव आ गया है गाँव का, ठीक है, ये आपका हिंदी का हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका मैथ का है, मैथमेटिक्स का भी बहुत आसान था, एक माइनस दो प्लस तीन माइनस चार प्लस पाँच, इस तरह से एक प्लस एक माइनस करके 101 तक थे, टोटल सम बताना था, यानी ओड नंबर्स का तो क्या करना था अपने को माइनस करना था और इवन नंबर को सम करना था, टोटल बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 to 50, एक से लेकर 50 तक का टोटल सम बताना था, सिंपल फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ था कि नदी की चौड़ाई कितनी होती है। भाई मैथ के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी की चौड़ाई कितनी होती है, और ना कोई डाटा दिया हुआ था, बस ऑप्शन दिए हुए थे। तो अप्रोक्सीमेट नदी की जो चौड़ाई है वो 500 मीटर ही हो सकती है, 550 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गई, 5 सेंटीमीटर 5 मीटर बहुत कम हो गई, इसलिए नदी की चौड़ाई 500 मीटर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 26 डिवाइड बाई 25, इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बहुत सिंपल था, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सोल्व करना था बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आयत का परिमाप दिया हुआ था, आयत का परिमाप और चौड़ाई पूछ रखी थी, लंबाई दी हुई थी, ठीक है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन था रोमन के अंदर, रोमन नंबर्स होते हैं उनको जब लिखते हैं तो एक नंबर को लगातार मैक्सिमम कितनी बार लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे 30 लिखना है तो एक्स 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 लिख सकता हूँ, लेकिन 40 लिखना है तो मैं चार बार एक्स नहीं लिखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब एक नंबर को मैक्सिमम कितनी बार लिख सकते हैं ये पूछा हुआ था, 3 बार, 2 बार, 1 बार और बहुत बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 98.6 डिग्री फारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था, 98.6 डिग्री फारेनहाइट को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था, फॉर्मूला भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये फायदा वाला काम था। उसके बाद था घनाभ का क्षेत्रफल दे रखा था, आयतन पूछ रखा था, ठीक है ना, घनाभ का क्षेत्रफल दे रखा था, आयतन पूछ रखा था। ऐसे ही खेत की चौड़ाई दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी, क्षेत्रफल पूछ रखा था, भाई चौड़ाई और लंबाई दे रखी थी सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल पूछ रखा था हेक्टेयर में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, हेक्टेयर में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 15 ml को लीटर में चेंज करना था, 15 ml में कितने लीटर होते हैं उसको चेंज करना था। नेक्स्ट आपका घन का क्षेत्रफल दे रखा था, आयतन पूछ रखा था, घन का क्षेत्रफल दे रखा था 1536 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आयतन पूछ रखा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था एक वस्तु को जो है 280 रुपये में बेचा 12% लाभ के साथ में, ये पूछा था उसका क्रेमूल कितना है, तो क्रेमूल उसका 250 आएगा, ठीक है, 280 में बेचा था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक पुस्तकालय में जो है 500,000 पुस्तकें हैं, उसमें इतनी पुस्तकें जो हैं बेच दी, कुछ पुस्तकें खराब थी, बची कितनी, तो बस सब्ट्रैक्ट करना था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक नंबर दिए हुए थे, चार ऑप्शन दिए हुए थे, पूछा था कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है 21 से भाग देने पर पूर्णांक आता है, 21 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो ये संख्या थी वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, भाई मेरे पास कोई भी नंबर 5 है, अगर मैं 5 को 5 से भाग दे दूं तो मुझे कितना आंसर मिलेगा, तो 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था दो अंकों की अभाज्य संख्या 1 से 100 तक, 1 से 100 तक दो अंकों की अभाज्य संख्या बताओ जिनके नंबर भी अभाज्य संख्या हों,
जैसे कि मान लो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या मान लो कितनी है, 47 है, तो 47 में जो 4 है वो तो भाज्य संख्या होगी, तो उसको काउंट नहीं करना। जैसे कि 13 है, 13 में 1 भी और 3 भी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या, तो काउंट करना है। तो ऐसे अपने को संख्या छाटनी थी 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक डायग्राम दे रखा था, ऐसे डायग्राम में ये वाली 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, आपको इस डायग्राम का टोटल क्या निकालना था, एरिया निकालना था, रेक्टेंगल्स बना के इनका एरिया निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपको ट्राइंगल्स दी हुई थी, डायग्राम दिया हुआ था, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्या निकालनी थी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, इसमें कितनी ट्राइंगल है वो अपने को बतानी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें आपको डायग्राम दिए हुए थे इस प्रकार के, और ये पूछा था कि इन डायग्राम्स को अगर हम लोग फोल्ड करें, इन इस सिमेट्री को फोल्ड करेंगे तो क्या हमारा घन बन सकता है। तो एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें घन नहीं बन सकता, जैसे कि मैं इसी सिमेट्री को अगर मैं क्या करूँ बात करूँ, अगर मैं इसी सिमेट्री की बात करूँ तो ये 1 और ये वाला 2, अगर इनको मैं फोल्ड कर देता हूँ, अगर ऐसे और ऐसे फोल्ड कर देता हूँ और ये वाला ऊपर ढक्कन आ जाएगा, ये वाला ऊपर ढक्कन आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये 2 साइड बचेंगे, दोनों एक ही साइड में बंद हो नहीं सकती, क्योंकि उधर वाला साइड खुला रह जाएगा, इसलिए इसका ये वाला ऑप्शन आएगा जो कि ये काम नहीं करता, ठीक है। उसके बाद में भाई आपका नेक्स्ट आपका क्या है, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं कि सामान्य ज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। केन्या के राष्ट्रपति पूछे गए थे कि केन्या के राष्ट्रपति कौन बने हैं। उसके बाद में कौन से राज्य में स्वच्छ ईंधन को प्रयोग करने वाला पहला राज्य बना है, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो पूर्ण रूप से स्वच्छ ईंधन का यूज करने वाला है, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वाटर हीरोज शेयर द स्टोरी, वाटर हीरोज शेयर द स्टोरी, इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दी हुई थी। वाटर हीरोज जो प्रोग्राम है उसके ऊपर 2 स्टेटमेंट दी हुई थी कि ये प्रोग्राम हर 6 महीने में होता है, और दूसरा इसके बारे में एक स्टेटमेंट और थी, ये बताना था कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका था कि देश में एक उभरता हुआ यंग बिजनेस अवार्ड, उभरता हुआ यंग बिजनेस अवार्ड जो है किसको मिला है, टाटा स्टील को मिला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिला है, ऐसे 4 ऑप्शन थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका था, कश्मीर भाषा में बाल साहित्य नामक एक पुस्तक थी, उसमें साहित्य का पुरस्कार 2022 का किस विजेता को मिला है, उसमें पुस्तक जो थी विजेता थी उसके लेखक का नाम पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या था, संविधान के तीसरे भाग में पूछा हुआ था, संविधान के तीसरे भाग में कौन सी गारंटी नहीं है, 4 गारंटी दी हुई थी, समान काम समान वेतन, भेदभाव किसी के साथ में, इस तरह से 4 गारंटी दी हुई थी, कौन सी गारंटी तीसरे भाग में नहीं है, ठीक है। उसके बाद में था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लार की भूमिका, भोजन के अंदर लार की क्या भूमिका है, भोजन के अंदर लार की क्या भूमिका, ये पूछा हुआ था। तो स्टार्च से शर्करा, जब हम जो भोजन खाते हैं उस भोजन में जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में तोड़ देता है, ये आपका ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, महासागर विज्ञान दशक कब बनाया गया, 2011 से 2020, 2020 से 2030, 2001 से 2010, ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेबर पेडू दहिया कृषि के कौन से टाइप है, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेबर पेडू दहिया, दहिया और पेडू और वेबर कौन सी कृषि है, सीडीनुमा है, वानगी कृषि है, ये कृषि है, ऑप्शन दिए हुए थे आपको बतानी थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वाटरलो युद्ध में किसकी पराजय हुई, वाटरलो जो युद्ध था उसमें किसकी हार हुई है, पूछा था, नेपोलियन बोनापार्ट की, अलेक्जेंडर की, चार्ल्स द्वितीय की और हेनरी की, ये आपको पूछा हुआ था, ठीक है। तो भाई ये आपके थे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूरे हो गए, 19 क्वेश्चन जो है मैथ के हो गए, 1 क्वेश्चन रह गया। उसके बाद में आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए, आपके ये कुछ ये हो गए, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए, और आपके इंग्लिश के हो गए ये वाले कंप्यूटर के, और ये वाले रीजनिंग के, और ये आपके हो गए EBS के, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चंस जो है मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन हिंदी के रह गए हैं, हिंदी का एक कम से कम 15 क्वेश्चंस मेरे पास और थे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। इसके पीछे वाली साइड में है ये वाले, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत फ़ायदेमंद होगी, और जिस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं आप जो है इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, संधि समास प्रत्यय मतलब हर प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। हिंदी में 1-2 क्वेश्चंस और जो इसके पीछे हैं, संगठित का प्रत्यय पूछा हुआ था, संगठित में क्या प्रत्यय होगा, कुछ चैप्टर्स के नाम पूछे हुए थे हिंदी में, जो चैप्टर्स हैं रिमझिम बुक के उसकी किताबों के चैप्टर्स के कवियों के नाम पूछे हुए, रचनाकारों के नाम पूछे हुए हैं 2-3 में, तो वो आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो ये था अभी KVS का जो है प्राइमरी टीचर का 25 फरवरी को शाम के शिफ्ट का पेपर, और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं।
आशा है वीडियो आपको बहुत काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।